हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस सम। इसमें हमें बोला गया है 5 cos² 60, 4 sec² 30, 10 square 45, sin² 30 प्लस cos² 30। उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स सब्सटीट्यूट दी वैल्यू। न्यूमिनेटर में हम लिखते हैं 5 cos 60। सो cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। सो लेट मी पुट इट ओवर हियर सो दैट यू कैन सी द टेबल क्लियरली। 1/2, सो 1/2 square प्लस 4. Now sec 30, so this is sec 30. Sec 30 is 2/√3, so 2/√3 square minus 10 45. 10 45 is 1 square, right? Now denominator में क्या करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है sin 30 एंड cos 30 के। sin 30 की वैल्यू 1/2, सो 1/2 इट्स स्क्वायर प्लस cos 30, cos 30 की वैल्यू है √3/2, इट्स स्क्वायर। नाउ सो 5 ((), हमें पहले स्क्वायर ही करना है कंपलसरी। 5 × 5 हम नहीं कर सकते, पहले स्क्वायर ही करना है रूल के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 ((), 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, नाउ दिस इज 1। डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सो नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट। 5 × 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये 1 4 के साथ है, 5 सिर्फ न्यूमिरेटर के साथ है। सो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अगेन 1। नाउ लेट्स कम ओवर हियर, इट्स 1/4 प्लस 3/4। अभी फ्रेंड्स हम एलसीएम ले लेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में। सो 4 and 3 and 1, 4 3 1 का एलसीएम होगा 12। सो हम पहले फॉर्मेट बना देते हैं, 5/4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस 16/3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस 1/1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। सो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 3 3, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 4, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12 12। नाउ इन डिनोमिनेटर, सो इन डिनोमिनेटर एलसीएम हो जाएगा 4 4 4, ये डिनोमिनेटर में 4 एलसीएम हो जाएगा। सो 1/4 ((), प्लस 3/4 ((). नाउ 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा 1, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा 1। नाउ लेट्स गो अहेड, ये क्या हो जाएगा, 5 3 15, सो 15 प्लस 16 4 64 माइनस 12/12 एलसीएम, राइट? नाउ हियर 1 1 1 प्लस 3 1 3/4, so it will be 15 minus 12 plus 64/12। इसको मैं रीअरेंज कर दिया, ठीक है, एंड देन डिनोमिनेटर में 4/4, दैट्स 1, राइट? डायरेक्ट कर दिया 1 + 3 4, 4/4 इज 1। सो अभी ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, अभी 15 minus 12 3 3 plus 64/12, ये 1 हम नहीं लिख रहे क्योंकि डिवीजन में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, 1 से किसी को भी डिवाइड करें तो वही आंसर आता है। नाउ 64 प्लस 3 67, सो माय आंसर इज 67/12। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।